स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ दौरे पर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जनसभा में केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। पिथौरागढ़ में पीएम मोदी की तीसरी जनसभा एसएस वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आदि कैलाश के दर्शन भी करेंगे और सारे लोगों की संस्कृति से रूबरू भी होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी के 12 अक्टूबर को जो है आगमन होना है, और जिसको लेकर उत्तराखंड में प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं, चाहे फिर सुरक्षा को लेकर हो या फिर कार्यक्रमों की बात हो। आपको बताते चले कि इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुआ जाएगा। दून में उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, और जहां परेड ग्राउंड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। वहीं आपको बताते चले कि जिस दौरान युवा महोत्सव में मुख्य अतिथि रोजगार को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई और युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि महोत्सव से प्रदेश भर के 8000 से ज्यादा युवाओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को धामी मंत्रिमंडल में ने बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि दरअसल सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के बिल को धामी सरकार ने मंजूरी दे दी है, और उसका लाभ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों के परिजन, जेल गए और घायल हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को मिलेगा। बैठक में समिति के सभी सदस्य विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली, उमेश शर्मा, शहजाद मनोज तिवारी, भुवन कापाड़ी भी बैठक में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूकेपीएससी में 645 पदों पर भर्ती निकली है और पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर होगी। वहीं आपको बताते चले कि महिलाओं को 30% आरक्षण का लाभ मिलेगा और 300 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि यूकेपीएससी में 645 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, और जिसमें 1 नवंबर को आवेदन की अंतिम तिथि 27 होगी, और वहीं आपको बताते चले कि 300 अंकों का लिखित पेपर भी इसमें होगा। नैनीताल से हिसार लौट रही शिक्षकों से भरी बस नैनीताल कालाडूंगी रोड पर गढ़गढ़ के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। आपको बताते चले कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया और 24 लोगों को घायलों को जो है वो खाई से बाहर निकालकर इलाज के लिए भेजा गया। वहीं आपको बताते चले कि बस में 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जिस समय यह घटना हुई उस समय बस में लगभग 30 लोग सवार थे। नैनीताल के मंगोली क्षेत्र में एक स्कूल बस के गिरने की सूचना आई, लेकिन बाद में जब हमारी रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंची तो पता लगा कि स्कूल की बस नहीं, स्कूल के टीचर थे और ये नैनीताल घूमने आए थे, यहाँ से हरियाणा हिसार के लिए वापस जा रहे थे। वापस जाते टाइम ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें 30-32 लोग बताए जा रहे हैं,
इनमें से 25 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, बाकी जो लोग हैं उनके रेस्क्यू का कार्य चल रहा है। यहाँ SDRF की, लोकल पुलिस की टीमें, स्थानीय जो हमारी डिजास्टर की टीम है वो सारी टीमें हैं और अगले आधे घंटे में रेस्क्यू कम्प्लीट कर लिया जाएगा। तो खबरें लगातार बनी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चौमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गांवों की तस्वीर सवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, फरकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गुंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव का प्रथम गांव है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है, इससे निश्चित है कि यहां का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहां बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे जिससे यहां के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं, द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहां पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियाँ, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजना और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। SECYURTSCUK.GOV.IN पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है यहाँ पर मिल जाएगा सब कुछ।
आइए बनाते राशन कार्ड भी आइए बना। जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमीन फर्जीवाड़े में दून पुलिस सभी सक्रिय गैंग को पकड़ने की योजना बना रही है और इसी क्रम में एक नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि इंग्लैंड निवासी एनआरआई महिला की राजपुरा रोड पर करोड़ों की जमीन के कागजात बनाने वाले तीन अभियुक्तों को दून पुलिस ने कई धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि जिसकी विवेचना एसआईटी की टीम की तरफ से शुरू की गई है। बताते चले कि आरोपी देहरादून में विवादित तथा काफी समय से खाली पड़ी जमीनों पर नजर रखते थे और मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ उन जमीनों के नकली कागजात बनाकर अन्य लोगों को बेच दिया करते थे। देहरादून में कई लोगों ने संगठित गैंग बनाकर लंबे समय से देहरादून में जमीन के धोखाधड़ी कर रहे थे और ऐसे मामले की गहनता से जांच की जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि एसआईटी की टीम जांच कर रही है और 13 लोगों को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो फर्जी कूट रचित दस्तावेज के आधार पर संदिग्धता के आधार पर कोतवाली में भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और एक प्रॉपर्टी राजपुर रोड की है जिसको लेकर इसमें केस दर्ज कराया गया था। जब इन्वेस्टिगेशन इसमें पूरी तरह तक की गई तो उसमें पाया गया जो केपी सिंह का जो गैंग था, इस गैंग से अन्य गैंग के भी सदस्य जुड़े हुए थे जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और इसमें जो हमारी हिरासत में पूछताछ में पालीवाल जिसको एक्सपर्ट था, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट था, उसको भी जब उससे भी जानकारी की गई तो काफी सनसनीखेज हमें इसमें तथ्य सामने आए थे। इसके आधार पर जब ज्यादा इन्वेस्टिगेशन तक गई तो इसमें तीन लोग के नाम आए, जो ओमवीर है जो पूर्व में भी इसमें अरेस्ट हो चुका जमीन के धोखाधड़ी और 302 में लेमन टाउन से, और साथ ही साथ इसके दो साथी हैं सतीश और संजय जो मुजफ्फरनगर के हैं। तो जो एनआरआई थे इनके फादर का 1979 का एक डेथ होने के बाद एक दिखाया गया कि उनके द्वारा एक क्रय विक्रय विलेख राम रतन शर्मा के नाम कर दिया गया और उसके आधार पर इन्होंने इस प्रॉपर्टी को दिल्ली निवासी पीएस निश्चल हैं उनको 1,90,00,000 रुपए से ले चुके थे एडवांस से, बाकी सौदा। मलिन बस्तियों पर हाउस टैक्स जमा करने को लेकर नगर निगम सख्त हुआ है। आपको बता दें कि जहां मानकों का पालन करते हुए कड़ी शपथ पत्र के साथ नगर निगम हाउस टैक्स वसूलेगा। वहीं आपको बताते चले कि नगर निगम की ओर से साल 2018 से बंद पड़ी मलिन बस्तियों के से टैक्स वसूल किया गया और साथ ही इस साल का शुरू पुराना बकाया माफ करते हुए शहर की 129 मलिन बस्तियों के लगभग 40,000 घरों से वसूली को लेकर कैंप लगाया जाएगा। देहरादून में दो युवकों को रील बनाना महंगा पड़ गया। दरअसल आपको बताते चलें कि रील बनाने के लिए एक युवक ने बीच चौराहे पर ही खाट बिछाई और इस पर लेटकर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं पुलिस को वायरल रील मिली तो कुछ देर बाद दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चलें कि घटना शिमला बाईपास चौक स्थित सेंट यूज चौक की है और जहां पर आपको बताते चले कि एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गौरव कश्यप निवासी सेवला कला और अब्दुल शमी निवासी मेहूवाला को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला जो सेंट जूड चौक पर चरपाई लगाकर प्रातःकाल वहां पर बैठ गए और वहां पर रील बनाई गई थी, उसको अपलोड कर दिया गया था जिसमें बहुत सारे पब्लिक के नेगेटिव कमेंट्स भी आए और उसमें इस चीज की भर्सना भी की गई कि एकदम एक्ट गलत है और इसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस की जो सोशल मीडिया सेल द्वारा इसको संज्ञान में लेते हुए इसमें जांच की गई। जांच के बाद इसमें थाना पटेल नगर पर मुकदमा भी दो लोग पर दर्ज किया गया जिनका नाम गौरव और अब्दुल है और इनके द्वारा बताया गया कि अपने रील्स बनाकर लाइकिंग्स के लिए इनके द्वारा प्रातः जो है चौक पर खटिया चरपाई बिछाकर
रील बनाई गई थी और भविष्य में उन्होंने कहा ऐसी गलती नहीं होगी। खबरें लगातार बनी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चौमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गांवों की तस्वीर सवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, परकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गुंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव का प्रथम गांव है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है, इससे निश्चित है कि यहां का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहां बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे जिससे यहां के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं, द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहां पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियाँ, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। seyurtscuk.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है यहीं पर मिल रहा सब कुछ, यहीं बनाते राशन कार्ड यहीं बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है।
मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 में सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शिरकत की गई और साथ ही साथ सीएम के द्वारा संबोधित भी किया गया। युवा कौशल उत्सव जो कि युवा महोत्सव 2023 के रूप में आज विशाल संख्या में यहां पर हमारे छात्र छात्राएं युवा उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाले आज का ये भव्य महोत्सव जिस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट में मेरे सहयोगी कौशल विकास मंत्री भाई सौरभ बहुगुणा जी मंचासीन इस विधानसभा क्षेत्र राजपुर यहाँ के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय विधायक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।